सो हे गाइज, मैं हूँ दिव्या यशपाल फ्रॉम डिज़ाइन पाठशाला। एंड गाइज, आज हमारे डिज़ाइन पाठशाला में हो रहा है सोहराय का वर्कशॉप, और जिसे सिखाने के लिए हमारे आई हैं यहाँ पर खुशबू कुमारी, जो कि सोहराय आर्टिस्ट हैं। और आज हम लोग को वो सिखाने वाली हैं कि सोहराय आर्ट को किस तरह करते हैं, सोहराय पेंटिंग में क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं, और वो हमें और भी ज़्यादा चीज़ें इस बारे में सिखाने वाली हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इससे रिलेटेड चीज़ें, और ये भी दिखाऊंगी कि सोहराय आर्ट कैसा होता है, सोहराय पेंटिंग कैसी होती है। सो गाइस, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर क्या क्या वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पर बताया जा रहा है ये कुछ सोहराय आर्ट का फॉर्म, एंड यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। आप जो ये सोहराय पेंटिंग सुन रहे हो, इसे भित्ति चित्र भी कहा जाता है, गोबर पेंटिंग भी आप लोगों ने शायद सुना होगा, तो इसी का एक पार्ट है। इसे आदिवासी कला भी कहा जाता है, मीन सोहराय पेंटिंग को बहुत सारे नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सब लोग ड्राइंग कंप्लीट कर चुके हैं, एंड कुछ कुछ लोगों का बाकी है, तो वो लोग अब कंप्लीट कर ही रहे हैं। तो चलिए अब इन लोग से भी जान लेते हैं कि इन लोग का ये पेंटिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड कुछ लोगों से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे एंड जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, एंड उन लोगों को मज़ा आ रहा है या नहीं ये सब कुछ। तो दोस्तों, ये रहा अंकित, यहाँ पर है सॉप्टिक। तो चलिए जानते हैं अंकित से कि उनका इस पेंटिंग को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अंकित, हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कुछ नया सीखने को मिला, और ये सब करके पता चलता है कि मतलब हम अपने कल्चर से किस तरह दूर जा रहे हैं। तो ये सब पेंटिंग बहुत इवॉल्व करता है, और फिर मतलब सोचने पे मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाता है कि और किस तरह से सोचा जा सकता है। जानते हैं सॉप्टिक से कि ये पेंटिंग किस चीज़ से रिलेटेड है। सॉप्टिक, बताइए हमें। बेसिकली ये पेंटिंग नेचर से रिलेटेड है। पुराने ज़माने में जो घर वाले जो हाउसवाइफ्स होते थे, उन लोग अपने दीवारों पे बनाते थे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा लगता है कि दिखाया जाता है कि कैसे एक एनिमल दूसरे एनिमल से अलग होके भी एक साथ कैसे रहते हैं, इसमें वो दिखाया जाता है। और काफ़ी नेचुरल चीज़ों में सब बनाया जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। जानते हैं श्रुति से, जो कि ये पेंटिंग बना रही है, कि ये क्या चीज़ की पेंटिंग है। तो श्रुति, आप हमें बताइए कि आप जो ये पेंटिंग बना रही है क्या है। यहाँ पर हिरन है, ओके, यहाँ पर मोर है, यहाँ पर दोनों तरफ बर्ड्स है। तो क्या आपको मजा आ रहा है इस पेंटिंग को करके, एंड आपको हार्ड लगा या फिर इजी। डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, बट अच्छा, अलग है, कुछ नया है। चलिए,
इससे ये सीखने को मिला कि कितना सिंपल कलर कॉम्बिनेशन से कितना अच्छा पेंटिंग कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाया जा सकता है। तो आपको ये पेंटिंग कैसा लग रहा है, मतलब आपको करके मजा आ रहा है, हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है? इजी तो नहीं है, हार्ड भी नहीं है, मजा आ रहा है बनाने में। तो दोस्तों आप जानते हैं सुचेता से कि उन्हें इस पेंटिंग में क्या डिफरेंट लगा, कि ये बाकी पेंटिंग से कैसे डिफरेंट है, तो बताइए सुचेता। जैसे ये डियर है, तो एक्चुअल में जो डियर हम लोग देखते हैं वैसा ये नहीं है, ये एक टूडी ड्रॉइंग है और रियलिस्टिक नहीं है, ये इमेजिनेशन ड्रॉइंग एक तरीके से कल्चर जो डिपिक्ट करता है। जानते हैं स्वीटी से कि उसका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसने ये वर्कशॉप अटेंड किया तो उसे कैसा लगा? वर्कशॉप तो रियली बहुत अच्छा रहा, साथ में यहाँ पे हम लोगों को टीचर से पेंटिंग के बारे में हम लोगों को उसका हिस्ट्री बताए और भी इस पेंटिंग के बारे में बहुत कुछ जाना गया कि कैसे कैसे कब बनाया, कौन इसको इन्वेंट किया, और ये भी वैसे जनरली पहले ठीक एज में बनाया जाता था। और खुशबू मैम आई हम लोग को पढ़ाने के लिए, हम लोग यहाँ पे ऐसे सारे बच्चे बैठ के बनाए, बहुत अच्छा लगा और अभी भी सारे बना ही रहे। दिस पेंटिंग इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने सुना सारे स्टूडेंट्स का आंसर कि उन लोगों का यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब जानते हैं मैम से, जो कि हमें यहाँ पर सिखाने के लिए आई थी, कि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा, और भी उनसे बहुत कुछ जानेंगे सोहराय आर्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं एंड उनसे बातें करते हैं कुछ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंट्रैक्शन करवाऊंगी, जो कि आज हमें सिखाने के लिए आए हैं सोहराय वर्कशॉप में, तो हमारे साथ हैं खुशबू रानी जी जो कि सोहराय आर्टिस्ट हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं सोहराय आर्ट वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपने सोहराय के लिए क्या क्या किया, इस फील्ड में आपने क्या क्या वर्क किया है? मैंने सोहराय के लिए बहुत जगह, बहुत सारे स्कूल्स में मैंने वर्कशॉप कराया हुआ है, जैसे सरला बिरला स्कूल में कराया हुआ है, डीएवी आलोक में मैंने वर्कशॉप कराया हुआ है, कुछ लेडीज़ को भी मैंने वर्कशॉप कराया हुआ है, कॉलेज में कराया हुआ है मैंने। मैं बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हूँ सोहराय पेंटिंग के लिए, और साथ साथ कुर्ती स्टॉल वगैरह मतलब क्लोथ्स में भी मैंने सोहराय पेंटिंग किया हुआ। तो दोस्तों जैसा कि बात हो रही है सोहराय पेंटिंग के बारे में, तो चलिए हम लोग इनसे ये भी जान लेते हैं कि सोहराय आर्ट बेसिकली है क्या, तो आप कुछ बताइए हमें इसके बारे में। सोहराय पेंटिंग जो है, पेंटिंग मतलब एक कला है, ये कला पेंटिंग की वो कला है जो पिलियोलिथिक एज, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, उस वक्त से ये कला चली आ रही है, जिसे मेनली जो हाउसवाइफ जो लेडीज़ होती थी वो अपने घरों के दीवारों पे बनाती थी, जिसे लीप करके बनाया जाता था, जिसमें बहुत सारे कलर्स की मिट्टी वगैरह यूज़ किए जाते थे कलर्स के लिए। वो लोग दतवन जो हम लोग करते हैं, या फिर साल के जो छाल होते साल पेड़ के, उससे वो लोग पेंटिंग करती थी। ये मेनली एक फेस्टिवल होता है, दीपावली के सुबह में एक गोहर पूजा होता है, जिसे हम लोग सोहराय पर्व भी के नाम से भी जानते हैं। सोहराय पर्व को के दिन जो औरतें होती अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए, पारंपरिक हमारे इस कहानियों को दिखाने के लिए, हमारे कल्चर्स को आगे बढ़ाने के लिए अपने घरों पर बनाती हैं। इसी पेंटिंग को सोहराय पेंटिंग के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने जाना कि सोहराय पेंटिंग क्या है, सोहराय आर्ट बेसिकली पाषाण काल से चली आ रही है, और ये बहुत ही पुरानी कला है जो कि धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और हमें सबसे ज़्यादा ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है, और यंग जनरेशन सोहराय आर्ट के बारे में क्या जानते हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं? हाँ, गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही अप्रिसिएट किया है, जो हमारे रेस्पेक्टेबल पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने भी इसे बहुत ही अप्रिसिएट किया है, जे इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी एनजीओ ने भी काम किया हुआ है, बहुत सारी लड़कियों को जो जिनके पास काम नहीं है उन्हें काम दिलाया है। एक मतलब एक सोहराई जो ये पेंटिंग है, एक लोगों के लिए एक काम, मतलब घर चलाने के लिए पैसे कमाने का भी एक ज़रिया बन चुका है। आजकल के जो टीनेजर्स हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, जो कुछ पैसे अर्न करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है सोहराय पेंटिंग। तो दोस्तों ये हो गई गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है इसकी बात, और अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप सोहराय पेंटिंग को कहाँ तक देखना चाहेंगे इसमें, और क्या क्या बढ़े, मतलब कुछ अच्छा हो। मैं चाहूँगी कि ये पेंटिंग जो है नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना रंग दिखाए, क्योंकि ये जो पेंटिंग है हमें एक दूसरे के साथ रहने को सिखाता है, कनेक्ट करती है, साथ साथ हमें एक पॉजिटिविटी देती है।
कि हम किस तरह से नेचर से जुड़ करके नेचुरल चीज़ों से एक बहुत अच्छी कहानी को, एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये जो पेंटिंग है बहुत आगे जाए, टीनेजर्स जो हमारे है वो इस पेंटिंग को आगे लेकर के जाए। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे डिज़ाइन पाठशाला में आए, आपने यहाँ पे वर्कशॉप करवाया, बच्चों को पढ़ाया, तो आपको यहाँ पर कैसा लगा? आई मीन स्टूडेंट्स कैसा सीख रहे हैं, उन लोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा, बिकॉज यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, वो किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। उन लोगों ने बहुत ही अच्छा करने की बहुत अच्छी कोशिश की है। पहली बार में इतना अच्छा बनाना बहुत ही अप्रिसिएटेबल वर्क है। आप लोगों ने जाना कि सोहराय आर्ट क्या है एंड यंग जनरेशन इस पर किस तरह से वर्क कर सकती है, किसी की आजीविका का साधन बन सकता है, किसी का घर इससे चल सकता है एंड चल भी रहा है अभी तक। तो मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, हम लोगों के साथ वर्कशॉप अटेंड किया, हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो दोस्तों ऑलमोस्ट सबकी पेंटिंग्स कम्प्लीट हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं सारे लोगों ने पेंटिंग्स बना ली है। तो चलिए अब इन लोग से पूछते हैं सारे लोगों से कि आज का वर्कशॉप इन्हें कैसा लगा। तो बच्चा तो आप लोगों ने सुन लिया, इन लोगों को बहुत हार्ड लगा।